नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुक्रवार दिन और पौष माह की द्वितीया में। मैं सृजन राजपूत अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम योग शक्ति में। आज योग शक्ति कार्यक्रम में हम बहुत अहम टॉपिक पर आपके लिए योग क्रियाएं दिखाएंगे। हमारा आज की जो टॉपिक है वह है श्वसन क्रिया कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम योगा, योगा फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हम बात करेंगे आज योग शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से। आप हमें देख रहे हैं CIET NCERT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल के माध्यम से, और इसके साथ आप हमें हमारे चैनल्स ई विद्या 6 से 12 पर भी देख रहे हैं। और शुक्रवार के दिन 8 से 8:45 तक आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि श्वसन क्रिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ दीप्तेश जी का मैं स्वागत करना चाहूँगी। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। सभी योग क्रियाओं को दिखाने के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार हैं। प्रेम MSc के स्टूडेंट हैं मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। प्रेम, आपका भी सत्र में स्वागत है। मैं अपने सभी दर्शकों का भी स्वागत करती हूं और उनसे चाहूंगी कि अपने प्रश्नों के साथ हमसे ज़रूर जुड़ें। ये एक लाइव इंटरएक्टिव सेशन है NCERT का और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संयुक्त सौजन्य से ये कार्यक्रम आपके समक्ष आता है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं रात्रि में 8 से 8:45 तक। आज कार्यक्रम में बहुत कुछ है खास आपके लिए। हमारे माध्यम जो आपसे जुड़ने के हैं वे आपके समक्ष हैं, आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8800440559 हमारे कांटेक्ट नंबर पर। आप हमें लिख सकते हैं mdniy@yahoo.co.in पर, या फिर आप हमें लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन यूट्यूब में स्क्रॉल डाउन कर भी अपना प्रश्न तेज़ी से पूछ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक महत्वपूर्ण है और बहुत सी योग क्रियाएँ आपके समक्ष रखनी है। तो चलिए सत्र का शुरुआत करते हैं और जानते हैं दीप्तेश सर से कि श्वसन क्रिया, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये काम कैसे करता है सर जी। तो जैसा कि हम जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो योग फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम धीरे धीरे जानेंगे किस प्रकार से हम कौन कौन से अभ्यास से रेस्पिरेटरी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक्टिव बना सकते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है हम इसको और अच्छे से जानेंगे। जो सबसे प्रमुख हमारे एक सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे शरीर में, और एक ऐसा प्रमुख सिस्टम है जिसमें हम जानते हैं कि श्वासों के माध्यम से हम अपने बाहर के जो एनवायरनमेंट है और अपने अंदर के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा योग है कि हम बाहर से अपने अंदर आंतरिक जो वातावरण है उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम और थ्रू प्राणिक एनर्जी। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार से हम इस सिस्टम को अच्छा बनाएं और एक्टिव रखें, ताकि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पॉल्यूशन भी हो रहा है, फॉग भी हो रहा है, तो उस प्रकार से अनेक बीमारियों से किस तरीके से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं जी। तो बहुत सुंदर सत्र की शुरुआत हो चुकी है और प्रार्थना के साथ एक बार फिर आगाज करते हैं प्रोग्राम का। ओके, तो अभी हम प्रार्थना के साथ सत्र की शुरुआत करेंगे। तो आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। तो जिस प्रकार से हम जान रहे थे कि श्वासों के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं, तो उस पे ही ध्यान को लाना है। अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान को लाएं। और धीरे धीरे श्वासों की गति को अपने नियंत्रण में लाते हुए, एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसकी फंक्शनिंग में हम इंटरफेयर कर सकते हैं। सेमी इनवॉलेंट्री सिस्टम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसकी फंक्शनिंग को हम इंटरफेयर करके और बेहतर कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आपके श्वासों पर नियंत्रण आए, तो ऑब्जर्व करें आपके शरीर में किस प्रकार से ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है। चेहरे पर मुस्कान का भाव, माथा रिलैक्स रहे, और अब धीरे धीरे इसी नियंत्रण श्वास प्रश्वास के साथ 3 बार ओमकार के उच्चारण के साथ सत्र की शुरुआत करेंगे। ओमकार हेतु श्वास भरें। ओ
ओमकार से हुए आपके मन शरीर पर प्रभाव को जाने पहचाने। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को कप शेप मिलाते हुए रखें आंखों के ऊपर, अंदर ही अंदर पलकों को झपकाएं और हाथों को देखते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। तो आइए सत्र की शुरुआत कुछ योगिक सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों से शुरू करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होकर हमें अभ्यासों को शुरू करना है, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखें जब भी आप खड़े हों तो आपके दोनों पैरों पे बराबर वजन हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोनों हाथों को आपकी जंघा के साथ अटैच करेंगे। अब यहीं से हम पहला अभ्यास करेंगे जो कि है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। तो आप दृष्टि यानी ध्यान को अपने दृष्टि को सामने रखना है, देखना सामने है, और ध्यान को अपने उच्चारण स्थल यानी वोकल कोड पे वॉइस बॉक्स पे ध्यान को रखते हुए अभ्यास को करेंगे। आपको श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है, फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल होगा लेकिन अपनी क्षमता अनुसार करें, ज़्यादा तेज भी ना करें ताकि चक्कर ना आए। आंखें खोल के अभ्यास करेंगे, सामने देखें और अभ्यास को शुरू करें। कंप्लीट एक्सहेल और विश्राम करें। विश्राम करने के लिए आप पैरों में कुछ इंच का अंतर कर सकते हैं और शरीर को ढीला छोड़ें। अब धीरे धीरे इसी का अगला भाग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे जो कि है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, जिसके लिए आपको गर्दन को ऊपर की ओर ले जाना है। ऊपर एक स्थान पर देखें और ध्यान रहेगा आपके चोटी वाले स्थान पर। तो अभ्यास को शुरू करेंगे, सेम उसी प्रकार से ब्रीदिंग करेंगे। गर्दन को सीधा करते हुए विश्राम को अभ्यास को विश्राम दें, शरीर को ढीला छोड़ें और श्वासों पर आ रहे प्रभाव को देखें। आपके चेस्ट रीजन में हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व करें। और अब यहीं से अगला अभ्यास जो कि हमारा मेधा शक्ति विकासक, जिसके लिए फिर से आप पैरों को मिलाएंगे और इस बार गर्दन को नीचे की ओर ले जाना है। कोशिश करें अपने दोनों पैरों के अंगूठों को देखने का प्रयास हो और आपका ध्यान सिर के पीछे वाले भाग की ओर रहे। और फिर से अभ्यास को शुरू करेंगे। कंप्लीट एक्सहेल, गर्दन को सीधा करें और अभ्यास को विश्राम दें। महसूस करें आपके सिर वाले भाग पर, आपके छाती वाले भाग में इन तीन अभ्यासों से क्या परिवर्तन आया है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो श्वास प्रश्वास है बहुत ही हल्का होता जा रहा है। अगर चक्कर आने की स्थिति हुई है तो आंखें खोल के कुछ देर बैठ के विश्राम भी आप कर सकते हैं। अब यहीं से हम कुछ और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़ते हैं जो कि है ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसके लिए आप दोनों पैरों को फिर से मिलाएं और दोनों हाथों को कंधों अपने कमर पर रखें। दोनों हाथों को कमर पर रखे अभ्यास को शुरू करेंगे। शुरुआत में गर्दन को ऊपर और नीचे ले जाने का अभ्यास करें। श्वास भरें गर्दन ऊपर और श्वास छोड़ें गर्दन नीचे। श्वासों के साथ अभ्यास को जोड़ें, बहुत ही सुंदर। श्वास छोड़ें गर्दन नीचे, इसी प्रकार से दो बार और इस अभ्यास को दोहराएं। धीरे धीरे वापस बीच में आएंगे। अब गर्दन को दाएं तथा बाईं ओर ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे गर्दन को और श्वास भरते हुए बीच में आना है। श्वासों के साथ फिर से इस अभ्यास को जोड़ना है। अंतिम राउंड पूरा करें। अब यहीं से अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे जो कि है नेक बेंडिंग। अब गर्दन को दाएं तथा बाईं ओर आपको झुकाने का अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट बेंड करेंगे, इनहेल करते हुए वापस बीच में और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। इसी प्रकार से दो से तीन बार अभ्यास को दोहराएं।
बहुत ही सुंदर। ध्यान रखें आपके गर्दन के साइड वाले भाग पर इसका प्रभाव आप महसूस कर पाए। अंतिम राउंड पूरा करें और अभ्यास को विश्राम दें। हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। गर्दन पे जो भी प्रभाव आया है, गर्दन की मांसपेशियों में जो भी खिंचाव आया है उसको फील करना है और धीरे धीरे श्वासों के माध्यम से ही अपने गर्दन में जो भी प्रभाव आया था उसको विश्राम अवस्था में लाना है। अब यहीं से गर्दन के नीचे कंधों की ओर बढ़ते हैं स्कंद संचालन के साथ। फिर से पैरों को मिलाएंगे। इस बार बगल से दोनों हाथों को उठाना है, हथेलियां बाहर की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास भरें और ले जाएं बगल से हाथों को ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसी प्रकार से अभ्यास को 4 से 5 बार दोहराएं। बहुत ही सुंदर। थोड़ा आराम से इस अभ्यास को करें, श्वासों के साथ, धीरे धीरे श्वासों के साथ पूरा शरीर खींचे। बहुत ही सुंदर। और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, विश्राम करें। ध्यान रखें हर एक अभ्यास को शिथिल भाव के साथ, सरलता के साथ, सजगता के साथ करना जरूरी है। अब यहीं से स्कंद चक्र की ओर बढ़ेंगे। स्कंद यानी कंधे, उनको रोटेट करना है। तो फिर से पैरों को मिलाएंगे। इस बार बगल से दोनों हाथों को उठाएं कंधों के स्तर तक, हथेलियां पलटें और हाथों को कंधों पर रखें। आगे कोहनियों को परस्पर मिलाएं। कोहनियों को आगे मिलाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे रोटेशन शुरू करेंगे। पहले कोहनियों को ऊपर ले जाएं और फिर नीचे लाएं, फिर आगे मिलाएं। बहुत ही सुंदर। श्वास भरते हुए कोहनियां ऊपर की ओर जाएगी और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अंतिम राउंड पूरा करें। अब इसे अभ्यास को विपरीत दिशा में धीरे धीरे सजगता शिथिलता के साथ। बहुत ही सुंदर। अंतिम राउंड पूरा करें और अभ्यास को विश्राम दें और रिलैक्स करें। बहुत ही सुंदर। अब यहीं से अगले अभ्यास की ओर हमें बढ़ना है। हमारा अगला अभ्यास जो कि है वक्षस्थल शक्ति विकासक। वक्षस्थल यानी हमारा चेस्ट रीजन, क्योंकि हमारा मुख्य अभ्यास जो है हमारा वो चेस्ट के लिए हम कर रहे हैं। अभी चेस्ट को एक्सपेंड किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अभी इस अभ्यास को पूरी सजगता के साथ करना आपको है। तो तैयार हो जाएंगे, साइड व्यू के साथ हम इस अभ्यास को दिखाएंगे। दोनों हाथों को आपको अपनी जंघा के आगे वाले भाग पे रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से उठाना है और धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर ले जाना है। वर्टिकल एक्सपेंशन, ऊपर की ओर देखने का प्रयास। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और गर्दन को सीधा करें। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। श्वास भरें, खींचें पूरा शरीर ऊपर और ले जाएं चेस्ट वाले भाग को पीछे की ओर। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, गर्दन को सीधा करें। अंतिम राउंड, श्वास भरें, खींचें पूरा शरीर ऊपर और धीरे धीरे खींचे हुए वाले भाग को ले जाएं पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। आप महसूस कर पा रहे होंगे छाती में इस खिंचाव को, जो कि हमने वर्टिकल एक्सपेंशन किया है। अभी यहीं से हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की ओर बढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में हमें चेस्ट को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना है। तो यहीं से वक्षस्थल शक्ति विकासक के दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को पुनः सामने से उठाएं, हथेलियां बाहर की ओर करें और श्वास भरते हुए अपने छाती को फैलाएं और ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं, गर्दन को सीधा करें। इसी प्रकार से 2 बार और इस अभ्यास को दोहराएं। ये ध्यान रखें इस बार आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन चेस्ट का फील कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर। पूरे दिन हमारी आदत बन चुकी है झुक के बैठने की, तो हम आगे की ओर होके बैठते हैं और हमारा छाती वाला भाग में फैलाव कम होता है, तो इस अभ्यास से वो फैलाव आप महसूस कर पाएंगे। अंतिम राउंड पूरा करके विश्राम करेंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास की प्रस्तुति आपके सामने हो रही है। तो आशा करते हैं कि आप साथ ही साथ इस अभ्यास को साथ में करें और उसका फायदा लें।
विश्राम करें, पैरों में कुछ इंच का अंतर करते हुए शरीर ढीला छोड़ें। अब यहीं से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, कटी का अभ्यास करेंगे, कटी शक्ति विकासक, जिसके लिए पैरों में लगभग आपको शरीर के अपने कंधों के 2 गुना अंतर करना है। अब यहीं से अपने हाथों को पीछे की ओर रखें, उंगलियों को पीछे रखें और अंगूठे को आगे, इससे आपके बैक को सपोर्ट करते हुए आप पीछे बैक बेंडिंग कर पाएंगे। कोहनियां करीब लाते हुए श्वास भरें, धीरे धीरे गर्दन और फिर छाती और फिर कमर से पीछे जाने का प्रयास, बहुत ही सुंदर। और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले कमर, फिर छाती और फिर गर्दन से नीचे आने का प्रयास, बहुत ही सुंदर। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएं पीछे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएं नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहराएं, श्वास भरें, जाएं पीछे, इससे आपके कमर के साथ साथ पैरों में भी आपके चाप को धीरे धीरे महसूस कर पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए जाएं नीचे, पुनः वापस बीच में आएंगे और पैरों को नजदीक लाते हुए विश्राम करें। हमेशा विश्राम की अवस्था में आपके शरीर पे उस अभ्यास से जो भी प्रभाव आया है उसको महसूस करने की कोशिश करें। अब यहीं से अगला अभ्यास जो कि है कटी शक्ति विकासक का 4th भाग, जिसको हम साइड बेंडिंग भी बोलते हैं, ट्रंक की साइड बेंडिंग हमें करनी है। तो पैरों में लगभग कुछ इंच का अंतर आप कर सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इस अभ्यास को कर पाएं। दोनों हाथों को बगल से उठाना है कंधों के स्तर तक, श्वास भरते हुए बगल से उठाएं कंधों के स्तर तक। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड बेंड करेंगे कमर से, निचला भाग वहीं रहे ध्यान रखें। श्वास भरते हुए वापस बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाने का प्रयास, बहुत ही सुंदर। श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। आप ध्यान दें, अपने दोनों हाथों के बीच में 180 डिग्री एंगल को मेंटेन करना है, यानी कमर से आपको झुकना है, हाथों को नहीं झुकाना। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपके सामने आप देख पा रहे हैं, वेरी गुड। अंतिम राउंड पूरा करें लेफ्ट साइड से और वापस बीच में आके विश्राम करें। हाथों को नीचे लाएं, शरीर को ढीला छोड़ें। अब यहीं से कटी का अंतिम भाग जो हम करेंगे वो है ट्रंक ट्विस्टिंग, जिसके लिए आप पैरों में कंधों के बराबर अंतर कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे कंधों के स्तर तक, हथेलियां एक दूसरे की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए आपको ट्विस्टिंग शुरू करनी है, पहले राइट साइड में जाएं श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरे वापस बीच में और श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। गति के साथ इस मूवमेंट को करते हुए, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। इसमें भी आपका निचला भाग आपके नियंत्रण में रहे, केवल अपर बॉडी से आपको ट्विस्ट करना है और विश्राम करेंगे। अंतिम राउंड पूरा करके वापस आएं बीच में, हाथों को नीचे लाएं और रिलैक्स करें। ये सभी अभ्यास इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अभी हम कुछ आसनों का अभ्यास भी करेंगे, तो उसके लिए आपका शरीर में थोड़ा फैलाव और थोड़ा खुलना जरूरी है, तो सभी ज्वाइंट्स को हम धीरे धीरे एक्टिव स्टेट में ला रहे हैं। तो यहीं से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है जंघा शक्ति विकासक। बहुत ही सुंदर अभ्यास है, इसको करेंगे तो जरूर आपके श्वसन तंत्र पे इसका प्रभाव आप महसूस करेंगे। नाम जरूर जंघा शक्ति विकासक है लेकिन श्वसन तंत्र पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आप देख पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जंघा शक्ति विकासक। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को बगल से उठाएं कंधों के स्तर तक, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को फैलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस प्रकार से 10 बार इस अभ्यास को करें। और विश्राम करें। आप महसूस कर पाएंगे जंघा के साथ साथ आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे, ब्रीदिंग पैटर्न पे इसका चेंज।
अब इसी का दूसरा भाग जो है वो है इसी प्रैक्टिस को अपोजिट ब्रीदिंग, रिवर्स ब्रीदिंग के साथ करना। अभी हमने इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके गए थे, अब ये एक्सहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। तो तैयार हो जाएंगे इसी अभ्यास को दोबारा से दोहराने के लिए रिवर्स ब्रीदिंग के साथ। पोजीशन में आए, अभ्यास को शुरू करें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, विश्राम करें। बहुत ही सुंदर। विश्राम करते हुए जरूर आप श्वास मुंह से छोड़ सकते हैं और नासिका से ले सकते हैं, इससे आप जल्दी विश्राम अवस्था को अचीव कर पाएंगे। इसे हम मुख धौती का अभ्यास भी बोलते हैं, जब हम मुख से प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब यहीं से जंघा से नीचे अपने पैरों की ओर बढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं पाद उंगली नमन एवं गुल्फ नमन का। इसको हम साइड व्यू के साथ हम आपको दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से एंकल की स्ट्रेचिंग और बेंडिंग को देख पाएं। तो अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे, दोनों हाथों को फिर से कमर पर रख लीजिए ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। अपने दाएं पैर को सामने की ओर लाएं और अपने एंकल को स्ट्रेच करना शुरू करें, एक्सहेल के साथ बाहर की ओर, इनहेल के साथ अपनी ओर। पहले हम स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे दोनों पैरों से और फिर हम एंकल को रोटेट करेंगे। अभी पैर को बदलेंगे दूसरे पैर से, एंकल स्ट्रेचिंग करें, साथ साथ आपको अपने टोस को भी स्ट्रेच करना है, तभी पाद उंगली नमन एवं गुल्फ नमन का अभ्यास होगा। बहुत ही सुंदर। अब यहीं से गुल्फ चक्र की ओर बढ़ेंगे, पैरों को वापस लाएं, फिर से दाएं पैर को ले जाएं, इस बार रोटेशन करना है, चक्र यानी रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 4 से 5 राउंड। ये ध्यान रखें इसमें आपके रोटेशन के साथ आपकी बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है, आप एक पैर पर बैलेंस कर रहे हैं, इससे आपका न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा। अभी विपरीत दिशा में अभ्यास को करें, 4 से 5 राउंड करने के बाद पैर को बदलें। अब इसी अभ्यास को बाएं पैर से लेफ्ट लेग से शुरू करें। सामने अगर एक पॉइंट पे देखेंगे तो आपका बैलेंस अच्छा बना रहेगा और अच्छे से आप रोटेशन कर पाएंगे। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में करें, बहुत ही सुंदर। और धीरे धीरे विश्राम अवस्था में वापस आएं और खड़े होकर विश्राम करें। तो आपने देखा कि हमने सिर से शुरू किया था और हमने पैरों के पंजों तक पूरे शरीर को अच्छे से ओपन कर लिया है। तो आइए, हमने अपने शरीर को तैयार कर लिया है आसनों के अभ्यास के लिए और चलते हैं आसनों के अभ्यास के लिए। हमने कुछ चुनिंदा अभ्यासों को लिया है जो आके आपके श्वसन तंत्र को और मजबूत करने में सहायक बनेंगे। तो पहला अभ्यास जो है वो है ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए हमें पैरों में कुछ इंच का अंतर करके इस अभ्यास को करना है। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और पाम्स को बाहर की ओर फेस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर, बहुत ही सुंदर। और अब धीरे धीरे कंधों से ऊपर खींचें, धीरे धीरे सामने की ओर फोकस करते हुए अपनी हील्स को उठाएं, बैलेंस करें टोस पर। एक पॉइंट पे फोकस करते हुए इस अभ्यास को करना है ताकि आपका बैलेंस ऑफ ना हो। कोशिश करनी है कि जब भी आप आसन में रुकें तो श्वासों को सामान्य रखें। अब धीरे से पैरों को नीचे लाएं और हाथों को सिर पे रखें, विश्राम करें। अब यहीं से हम ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, यानी इसको हम तिर्यक ताड़ासन भी कहते हैं, तो तिर्यक ताड़ासन की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर ले जाएंगे, खींचें, ताने पूरा शरीर। अब इस तने हुए शरीर को ही दाईं ओर राइट साइड बेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए कुछ क्षण वहीं रुकें। ये ध्यान रखें केवल अपर बॉडी, बहुत ही सुंदर अभ्यास आप देख पा रहे हैं, लोअर बॉडी वहीं है, अपर बॉडी से आपने बेंड किया है। श्वास भरें, वापस बीच में आएं, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाएंगे और वहीं पे कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें। फील करें आपके शरीर में क्या प्रभाव इसका आ रहा है। पुनः वापस बीच में आएंगे और हाथों को बगल से नीचे लाएं और विश्राम करें, पैरों में कुछ इंच का अंतर करें
और शरीर ढीला। ताड़ासन पूरे शरीर को खींचता है, पूरे शरीर में स्ट्रेच को आप फील कर पा सकते हैं उस अभ्यास के दौरान। अब यहीं से हम अर्धचक्रासन की ओर बढ़ें, जिसके लिए हम साइड व्यू के साथ इसको दिखाएंगे। पैरों में कुछ इंच का अंतर करके आप इसको करें और कोशिश रहे कि आपके फिंगर वाले पार्ट को इस बार हम आगे रखें और थंब वाले पार्ट को पीछे। कोहनियाँ करीब और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों पर बराबर वजन रखते हुए पहले गर्दन, फिर छाती और फिर कमर से पीछे जाएं। क्योंकि आसन का अभ्यास करें कुछ क्षण वहीं रुकेंगे, तो सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ वहीं रुकना है। आंखें खुली हो, श्वासों को रोकना नहीं है, ध्यान रखें। बहुत ही सुंदर। माथा रिलैक्स रखें, आईब्रोज को रिलैक्स रखें और अब धीरे धीरे वापस आएं, हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। हर एक अभ्यास के साथ हम उसका काउंटर भी करते हैं ताकि शरीर में बैलेंस की स्थिति बनी रहे। तो इसी का काउंटर हम करेंगे जो कि है पादहस्तासन। पादहस्तासन में भी हम, आप चाहें तो कुछ इंच का अंतर करके कर सकते हैं, पैर मिला के भी अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ले जाएं ऊपर की ओर, पूरा शरीर पहले ताने ऊपर की ओर, अब श्वास छोड़ते हुए पहले कमर से नीचे आएं और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पैरों के नज़दीक ले जाने का प्रयास, कमर को सीधा रखते हुए अभ्यास को करने का प्रयास। पादहस्तासन, जैसा नाम है, अपने पैरों के पास हाथों को ला रहे हैं। बहुत ही सुंदर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ वहीं रुकना है और अब धीरे धीरे कमर से खींचते हुए आपको 90 डिग्री पे आना है और फिर ऊपर की ओर आएं और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। तो अभी हमने कुछ खड़े होकर अभ्यासों को किया, अब हम बैठकर करने वाले आसनों की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रथम आसन है दंडासन। तो आप बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। जब आप दंडासन की स्थिति में बैठें तो ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर आपस में मिले रहें, दोनों पैरों के पंजे अपनी ओर रहें और कमर को आप सीधा रखें। अब यहीं से हम एक बहुत ही अच्छा आसन आपके श्वसन तंत्र के लिए, वो है गोमुखासन। गोमुखासन के लिए बढ़ रहे हैं। तो गोमुखासन के लिए तैयार हो जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, अपने दाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे रखें, बाएं नितंब के नज़दीक रखें, नीचे नहीं रखें तो, और दूसरे पैर को दूसरे नितंब के पास ले जाएं। इस प्रकार से आपके दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब यहीं से आपको जौन सा पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को आपको ऊपर रखना है। तो अपने बाएं हाथ को उठाएं ऊपर से और दाएं हाथ को नीचे से, और पीछे कोशिश करना है कि आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ पाएं। अगर आप पीछे हाथों को नहीं पकड़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप ले जा पा रहे हैं उतना ही लेके जाएं और वहीं पे विश्राम करें। महसूस करें आपके छाती में आ रहे फैलाव को। ध्यान रखें जब भी आप किसी आसन को करें तो सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें बंद करके उसको फील जरूर करें। अब इस आसन से धीरे धीरे वापस आएं और इसे अभ्यास को दूसरी साइड से भी करेंगे ताकि इसका काउंटर हम पूर्ण कर पाएं। तो पैरों की दिशा को बदलेंगे। इस बार आपका बायां पैर नीचे से आएगा, लेफ्ट लेग को नीचे से लाएं और राइट लेग को ऊपर से। जौन सा पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और पीछे फिर से अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश। इसमें हल्का सा चिन अप आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। गोमुखासन, गो के मुख के समान इसमें हमारे शरीर की स्थिति होती है। अब धीरे धीरे इस आसन से वापस आए और वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। साइड व्यू के साथ वज्रासन की स्थिति में बैठकर विश्राम करेंगे।
अब हम एक और आसन की कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है अर्धउष्ट्र उष्ट्र और शशक आसन। तो आइए चलते हैं इस कड़ी का पहला अभ्यास, अर्धउष्ट्र आसन। तो अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और पैरों में लगभग कंधों के बराबर, घुटनों में लगभग कंधों के बराबर अंतर कर लीजिए। इस बार दोनों हाथों को पीछे नितंबों पर रखना है, उंगलियों की दिशा नीचे की ओर रहेगी। कोहनियां नज़दीक लाएं और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी गर्दन, छाती और कमर से पीछे जाने का प्रयास। माथे को सामान्य करें, बहुत ही सुंदर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को करें। वहीं पर रुकें, महसूस करें छाती में आ रहे फैलाव को और अब धीरे धीरे वापस आएं। अब यहीं से हमें उष्ट्रासन की ओर बढ़ना है। अब जो लोग उष्ट्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते किसी भी वजह से, वो अर्धउष्ट्र को ही दोबारा से करेंगे। तो उष्ट्रासन में आपको अपने दाएं हाथ को अपने दाएं पैर पे रखना है और धीरे धीरे बाएं हाथ को बाएं पैर पे, और ये ध्यान देना है कि आपके दोनों हाथों और पैरों पे बराबर वजन हो, तभी आपकी बॉडी बैलेंस स्टेट में रहेगी। गर्दन को ढीला छोड़ें, माथे को सामान्य रखें, आंखें खुली रहे। इसमें आप पाएंगे कि थोड़ा सा और फैलाव बढ़ चुका है उष्ट्रासन। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें, हर एक अभ्यास में, किसी भी अभ्यास में श्वासों को नहीं रोकना है, और धीरे धीरे वापस आए, हाथों को नीचे लाएं और वज्रासन की स्थिति में आए। इसी कड़ी में तीसरा अभ्यास करेंगे, जो कि है शशक आसन, इसका काउंटर। तो उसके लिए आपको घुटनों में लगभग मैट के बराबर अंतर करना है। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधा खींचते हुए आगे की ओर जाएं। माथे को जमीन पर रख लीजिए और विश्राम करें। इसमें आपको अपनी कमर की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ना है, कंधों को विश्राम अवस्था में लाना है। तो हर एक अभ्यास का हम काउंटर करेंगे तो हम पाएंगे कि इससे जो हमारे शरीर में स्ट्रेच आया था उसको हमने बैलेंस कर लिया है, रिलैक्स कर लिया है। अब यहीं से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके श्वसन तंत्र के लिए, वो है उत्तान मंडूकासन। तो वापस आएंगे और वज्रासन की स्थिति में फ्रंट व्यू के साथ इसको हम करेंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। अब यहीं से आपको अपने दोनों घुटनों को फिर से फैलाना है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे खींचें दोनों हाथों से पूरा शरीर ऊपर की ओर, बगल से हाथों को उठाएं और खींचें पूरा शरीर हाथों से ऊपर की ओर। अब पहले दाएं हाथ को, राइट हैंड को रखें लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे और लेफ्ट को रखें फिर राइट शोल्डर ब्लेड पे, और हल्का सा चिन अप करें, आंखों को बंद करें। बहुत ही सुंदर। सामान्य श्वास प्रश्वास आपका बना रहे। अब यहीं से हाथों को पुनः ऊपर ले जाएं और हाथों की पोजीशन को चेंज करें। इस बार पहले लेफ्ट को रखें और फिर राइट को, और फिर से हल्का सा चिन अप करते हुए आंखों को बंद करके विश्राम करें। महसूस करें अपने आते जाते श्वासों को। उत्तान मंडूकासन। धीरे धीरे पुनः दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें, बगल से हाथों को नीचे लाएं और सुखासन में विश्राम करें। यहीं से हम आसनों के बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सुखासन में आप आ जाइए। आप चाहें तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन को भी धारण कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, जब भी हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या षटकर्म का अभ्यास करते हैं, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो हम जो हम पूरे दिन ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, उनको अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे षटकर्म के अभ्यास में हम कपालभाति करेंगे तो उसमें एक्टिव एक्सहेल करेंगे। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हम इनहेल एक्सहेल का रेशियो सेम रखेंगे, उतना ही फोर्सफुल इनहेल होगा उतना ही फोर्सफुल एक्सहेल। जब हम नाड़ी शोधन करेंगे तो हम एक नासिका से श्वास भरें, दूसरे से छोड़ रहे हैं। जब हम भ्रामरी कर रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए हम भ्रमर के समान गुंजन कर रहे हैं। तो यही श्वास प्रश्वास जो पूरे दिन होता है, हम इसी को अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं और उससे प्रभाव हमारे शरीर पे अलग अलग पड़ता है।
तो आइए सबसे पहले हम कपालभाति के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी हो, कंधे विश्राम अवस्था में। कपालभाति के अभ्यास में हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, वो है एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन, यानी एक्सहेल पे आपको फोकस करना है, पेट को झटके से अंदर ले जाना है और इनहेल बॉडी को खुद करने देना है, हमें खुद से नहीं करना। और माथे को रिलैक्स रखते हुए, कंधों को विश्राम अवस्था में रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। शुरू करें। कंप्लीट एक्सहेल और विश्राम करें। ये ध्यान रखें, जब भी विश्राम करें तो श्वासों को जितना गहराई तक ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास हो। इसी कपालभाति के अभ्यास को आप खुद से जब करें तो 4 से 5 बार कर सकते हैं, जिसमें आप 20 से 30 स्ट्रोक एक बारी में कर सकते हैं। अब यहीं से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं। नाड़ी शोधन से पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें श्वासों की जो रेशियो है इनहेल एक्सहेल की, वो इक्वल रखनी है। तो उसके लिए आप ध्यान रखें, जितनी आप तेजी से इनहेल करें उतनी तेजी से आपको एक्सहेल करना है। तो आइए तैयार हो जाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास भरना शुरू करें। कंप्लीट एक्सहेल और विश्राम करें। महसूस कर पाएंगे दोनों अभ्यासों में अपने श्वासों को किस प्रकार से बदलाव कर रहा है। डीप ब्रीदिंग के साथ अपने शरीर को विश्राम दें। अब यहीं से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको अपने दाएं हाथ की फिस्ट बनानी है और उसके बाद अंतिम दो उंगलियां खोलनी और अंगूठे को बाहर लाना है। इसको हम नासिका मुद्रा बोलते हैं। तो नासिका मुद्रा को धारण करें, अपने दाएं नासिका रंध्र को बंद करें और धीरे धीरे बाएं नासिका रंध्र से श्वास भरें। पूरक का अभ्यास यानी कंट्रोल्ड इनहेलेशन, और बाएं नासिका रंध्र से श्वास छोड़ें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल, रेचक का अभ्यास। अब धीरे धीरे दाएं नासिका रंध्र से ही पूरक यानी कंट्रोल्ड इनहेलेशन और बाएं नासिका रंध्र से रेचक कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन। इसी अभ्यास को 2 से 3 बार खुद से दोहराएं। ध्यान रखें, जब भी हम स्लो और साइलेंट ब्रीदिंग करते हैं तो एक अच्छा संकेत है कि हमारा ब्रीदिंग अच्छा है। जब भी आपकी ब्रीदिंग करते हुए कोई साउंड आ रही है, वीजिंग साउंड आ रही है, तो इससे पता चलता है कि जो आपका पैसेज है उसमें कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट हो चुका है या म्यूकस एक्यूमुलेट हो चुका है, तो ये अस्थमा की स्थिति की ओर बढ़ता है। तो कोशिश रहे कि आप ये चेक कर पाएँ कि आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में कोई आवाज़ ना हो, साइलेंट हो, स्लो हो और ईजी हो करने में। अंतिम राउंड को पूरा करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके पैरासिम्पथैटिक सिस्टम और सिंपथैटिक सिस्टम को भी बैलेंस करता है। अब यहीं से हम अंतिम राउंड की ओर बढ़ रहे, अंतिम अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को हम षणमुखी मुद्रा के साथ करेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाएं, अंगूठे से कानों को बंद करें और 4 उंगलियां आप अपने आंखों पर रख लीजिए। ये मॉडिफाइड षणमुखी मुद्रा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे यहीं से श्वास छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है। श्वास भरें। पुनः श्वास भरें।
अंतिम राउंड, श्वास भरें। धीरे से हाथों को नीचे लाएं, आंखों को बंद रखें और महसूस करें कि क्या प्रभाव इस अभ्यास से या पूरे सत्र से आपके शरीर, आपके मन पे हुआ है। ये ध्यान का अभ्यास है कि हम पूरा अभ्यास करने के बाद अपने मन शरीर पे ध्यान को ला रहे हैं और उस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं जो आपके पूरे शरीर और स्पेसिफिकली आपके श्वसन तंत्र पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हुआ है। अब यहीं से हम शांति पाठ, पूरे विश्व की शांति के लिए शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद करें, एक बार ओमकार, तत्पश्चात तीन बार शांति के साथ हम इस सत्र का समापन करेंगे। श्वास भरें। शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों को कप शेप में लाते हुए रखें आंखों के ऊपर, अंदर ही अंदर पलकों को चपकाएं और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर अभ्यास आज हम सब ने योग शक्ति कार्यक्रम के माध्यम से देखा, किस तरह अपनी श्वसन तंत्र को, श्वसन क्रियाओं को बेहतर बनाया जा सकता है योग के माध्यम से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम ये योग क्रियाएं देख रहे थे तो ऐसे में ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हमारे पोस्चर में भी गलती है, जो जिससे कि हमारा श्वसन तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं, पोस्चरल डिफेक्ट्स के साथ भी हमारा जो श्वसन तंत्र है वो इम्पैक्ट करता है। हम पूरे दिन अगर ऐसे झुक के बैठते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या लंग्स है वो थोड़ा कलैप्स होकर रहते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम कमर सीधी करके बैठें, चेस्ट एक्सपेंड हो, और जो भी हमने आज पोस्चर्स करे हैं तो उसमें हमने पाया कि हमने ज़्यादातर छाती का फैलाव करने की कोशिश करी है, ताकि जो हमारा लंग्स है उसको हम प्रॉपर स्पेस दें, और ब्रीदिंग स्पेस जब उसको मिलेगा तो उसकी फंक्शनिंग भी एफिशिएंट और इफेक्टिव होती जाएगी। जी, एक व्यूअर जुड़े हैं हमारे साथ, ब्रजेश जादौन जी, जिन्होंने जानना चाहा कि श्वसन तंत्र को मजबूती देने के लिए ये कितने अभ्यास और कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए। जी, जैसा कि अभी हमने केवल 30 मिनट में सभी अभ्यासों को किया है, तो अगर आपके पास 30 मिनट हैं तो इन सभी अभ्यासों को जरूर करें। अगर आपके पास और अत्यधिक समय है तो आप इसमें सूर्य नमस्कार के अभ्यास को भी ऐड कर सकते हैं। अगर कम समय है तो कोशिश करें कुछ आप लूजनिंग प्रैक्टिस करने के बाद, ये प्राणायाम के अभ्यास जो हमने करें, कपाल भाति के बाद हमने षटकर्म का अभ्यास किया, जो कपाल भाति प्लस में जो हमने नाड़ी शोधन भस्त्रिका का करा, तो इससे आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे ज़्यादा इम्पैक्ट आप फील कर पाएंगे। जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर आपका, योगा फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा आज का विषय रहा, उस पर आपकी खूबसूरत व्याख्या रही और साथ ही योग क्रियाओं को आपने दर्शाया हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद। मैं इन सभी योग क्रियाओं को हमारे समक्ष रखने के लिए प्रेम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद प्रेम। अपने सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ इस सत्र से जुड़ते हैं और अपने प्रश्नों के माध्यम से हमें हमसे जुड़ते हैं और ऐसे प्रश्न भी हमारे समक्ष रखते हैं जिससे कि हमारे विषय को और सरलता मिलती है। योग शक्ति कार्यक्रम का मोटिव ही ये है कि आपके समक्ष ऐसी क्रियाएँ दिखाई जाएँ जो कि आपकी दिनचर्या को और आपके जो शरीर है उसको और सामान्य स्थिति से बेहतर स्थिति में लाने के लिए काम किया जाए। इस बीते वर्ष में अब चंद ही दिन बचे हैं, नया वर्ष आने को है, ऐसे में एक सुविचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आप बीते कल से सीखें, आज के लिए जिए और भविष्य के लिए सकारात्मक कहें। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आपको आगामी अवस्था में मैं प्रदान करती हूं, देती हूं, और अनुमति लेने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सबसे साझा करना चाहूंगी। ये आपकी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। हमारे सेल्स काउंटर अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी में हैं, और यहां से आप डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे बैठे भी अपनी किताबें मंगवा सकते हैं ऑनलाइन मीडियम से। कोई भी डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। ये काउंटर 9:30 से शाम 6 बजे तक सभी अवकाश
अवकाश के दिनों में भी काम करते हैं ताकि आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तकें बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाएं। हम चाहते हैं आप सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ वर्जन भी डाउनलोड करें जिससे कि आप और इजीली अपने लैपटॉप या मोबाइल से भी उसको कभी भी पढ़ लें। इसके लिए आप ई पाठशाला दीक्षा या फिर NCERT मोबाइल ऐप को चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट करें NCERTbooks.NCERT.gov.in को। हमारी अपडेटेड जानकारी और सभी सत्रों की जानकारी के लिए भी आप ज़रूर जुड़ें www.NCERT.NIC.IN से। मैं सृजन राजपूत अपने सभी व्यूअर्स से चाहूँगी अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।